हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी डिलीशियस नारियल के लड्डू की रेसिपी को शेयर करूंगी। इस लड्डू को मैं बिना मावा और बिना गैस चलाए आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं इस टेस्टी से लड्डू को आज हम कैसे बनाएंगे। इस टेस्टी और यम्मी से लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम नारियल का चूरा। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 200 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। 4 कुटी हुई इलायची ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच पिसी हुई शुगर। हमने यहाँ पर सिंपल चीनी को ग्राइंडिंग जार में पीस लिया है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी खड़ी चीनी का इस्तेमाल मत करिएगा, चीनी को पीस करके तभी आप लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। मिला लेंगे सारी चीज़ों को स्पून की हेल्प से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसे हम आटे की तरह गूंथ करके डो के फॉर्म में कर लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें भी इसे गूंथ करके डो के फॉर्म में कर लेना है। आप यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध की जगह पर। आप पानी या दूध जो भी इस्तेमाल करें वो गर्म नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। लेकिन दूध से गूंथने पर इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये लीजिए, हमारा डो ये तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। अब हम लड्डू को बनाना शुरू करेंगे। हाथों में हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे, इससे लड्डू का मिक्स हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा हम लड्डू का मिक्स लेंगे, इसे हाथों के बीच में रखकर गोल करेंगे। अब हम दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रख के गोल कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा ये एक खूबसूरत सा लड्डू बन के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक लड्डू और बनाकर दिखा रही हूँ। ये लड्डू बनाने में बेहद ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। जब भी घर में गेस्ट आने वाले हों या फिर आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस लड्डू को झटपट मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा दूसरा लड्डू भी बन के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इससे पहले भी मैं आपके साथ में कई तरह के लड्डू और मिठाई की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये लीजिए, हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। इन्हें और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा हम लगाएंगे चांदी का वर्क, कटा हुआ पिस्ता और चेरी। ये लड्डू देखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।